हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप भी अपना वजन कम करना चाह रहे हैं और लगातार कोशिशों के बाद या कुछ इरेगुलर कोशिशों के बाद हार मान चुके हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं वो जो जनरली लोग बात करते हैं अपना वज़न कम करने की कोशिश में। तो आइए शुरू करते हैं। जो वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ICMR के एक सर्वे के मुताबिक जो कि 2015 में किया गया था, ओबेसिटी या ओवरवेट होने का इंसिडेंस हमारे देश में तकरीबन 11 से लेकर 35% है और फीमेल्स में ये इंसिडेंस मेल के मुकाबले ज़्यादा है। और इसमें एक किस्म की ओबेसिटी होती है जिसको कि सेंट्रल ओबेसिटी कहा जाता है, यानी कि वो ओबेसिटी या वो वज़न ज़्यादा जो है, फैट ज़्यादा है, वो बॉडी के सेंट्रल हिस्से पर होता है। सेंट्रल हिस्सा यानी कि जो ट्रंक का हिस्सा होता है, कंधे से लेके बटक्स तक का जो हिस्सा है उस पर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। पेट के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है जिसको कि सेंट्रल ओबेसिटी कहा जाता है। और ये एक ज़्यादा खतरनाक परेशानी है क्योंकि इसकी वजह से शरीर पर होने वाले जो मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स होते हैं ज़्यादा फैट के, वो ज़्यादा होते हैं। ऐसे केसेस में हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ या और ओबेसिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के इंसिडेंसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो जनरल ओबेसिटी होती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ सेंट्रल ओबेसिटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है और वज़न को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसी कौन सी जानकारियों का अभाव है जिसकी वजह से लोग अपना वज़न कम करने में, ज़्यादातर लोग अपना वज़न कम करने में अक्षम रहते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं। ये वजह होती है, सबसे पहली और सबसे कॉमन वजह, कि ज़्यादातर लोगों को हेल्दी वेट मेंटेन करने के फ़ायदे नहीं पता होते। उन्हें ये नहीं जानकारी होती है कि अगर वो अपना हेल्दी वेट मेंटेन करके रखते हैं तो उससे कितने फ़ायदे उनकी जनरल हेल्थ को, उनकी अपेयरेंस को हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर, बहुत बार लोगों को खाने पीने के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है कि कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि वज़न बढ़ाने में सहायक होते हैं और कौन से फूड आइटम्स वज़न को रिड्यूस करने के लिए काम में लाए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि समय की कमी है, उनका दिन बहुत ज़्यादा बिजी है, उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी वज़न कम करने के जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादातर अधूरे रह जाते हैं या उनका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। और चौथे नंबर पर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, कि जेनेटिक फैक्टर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर वज़न कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या अगर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते हैं तो वो अपना वज़न को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से 5 कॉमन रीजंस हैं, ऐसे कौन से 5 कॉमन तरीके हैं जिनको अपनाकर हम अपने को एक कंसिस्टेंटली हेल्दी वेट को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका वज़न हेल्दी है, अगर आप हेल्दी वेट में हैं तो आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, फिट दिखते हैं। और बहुत बार यही सबका गोल होता है कि अगर हम हेल्दी हैं, स्लिम ट्रिम हैं, फिट हैं, तो हम बहुत बार किसी भी क्राउड में, किसी भी गैदरिंग में एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। ये चीज़ मैं अपने ऊपर, जो मेरे साथ लागू होती है, जो भी पार्टीज़ में मैं जाती हूँ, बहुत बार लोगों का ये एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखती हैं। मेरी उम्र अभी इस टाइम 51 ईयर्स है और मेरी फैमिली में टेंडेंसी है जेनेटिकली थोड़ा ओबेसिटी की, लेकिन मैंने अपने आप को एफर्ट्स के साथ मेंटेन किया हुआ है और इसके बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं कि आप किस तरीके से अपने वज़न को मेंटेन करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है आपको अगर अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखते हैं, फिट दिखते हैं। तो ये एक आप एक पॉइंट अगर लेके चलते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है अपने वेट को, हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए। दूसरे नंबर पर बात आती है कि कौन से डाइटरी आइटम्स हैं। बहुत बार लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि डाइट के बारे में बताइए कि लो कार्ब और हाई फैट डाइट क्या होती है, या किस किस फूड आइटम्स में फ़ैट ज़्यादा होता है, किस फूड आइटम में फ़ैट कम होता है। इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम में फ़ैट कितना होता है या प्रोटीन कितना होता है या कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। कुछ बेसिक टिप्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे फूड आइटम्स में जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, ये जो होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। तो इनकी मात्रा कम रखने से हम वेट को कम रख सकते हैं।
वहीं पर जो पल्सेज हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। तो पल्सेस को अपने डाइट में बढ़ाकर, जैसे कि चना, राजमा, दालें, स्प्राउट्स, इनको बढ़ाकर हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हैं और फाइबर और प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स होती हैं उसमें पोटैटो या स्वीट पोटैटो, इस तरीके की सब्जियां छोड़कर बाकी सब्जियों में फाइबर भरपूर होता है। तो अपने डाइट में सब्जियों की भरपूर मात्रा इस्तेमाल करके आप हेल्दी वेट को मेंटेन करने में अपने आप की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दो बहुत ही कॉमन आइटम हैं कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड। इन दोनों को आप टोटली अवॉइड करके बहुत हद तक अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, रिफाइंड शुगर्स जिस भी आइटम में है उसको आप अगर अवॉइड करते हैं तो आप डेफिनेटली वेट को, अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करने में सक्षम हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात आती है एक एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लेवल को अगर हाई रखते हैं कंटिन्यूसली तो आप वेट गेन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। महिलाओं में वजन बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह होती है उनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल। पुरुषों को भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है तो उन केसेस में उनको वजन ज़्यादा बढ़ने की दिक्कत नहीं आती, लेकिन महिलाओं में ये प्रॉब्लम इसी वजह से ज़्यादा आती है। बहुत बार महिलाएं कहती हैं हम घर में सारा दिन काम करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, इतनी फिजिकल एक्टिविटी हमारे घर के काम में ही हो जाती है। लेकिन अगर आप कैलोरी वाइज देखें तो घर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कुकिंग करना, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज की बर्नआउट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में महिलाओं को विशेषकर एक्सरसाइज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथे नंबर पर बात करते हैं जेनेटिक डिजीजेस के बारे में। जेनेटिक डिजीजेस या जेनेटिक टेंडेंसी होती है कुछ फैमिलीज में जहाँ पर कि वजन ज़्यादा होता है। आप देखते होंगे कुछ फैमिलीज में सभी लोगों का वजन ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि जो बच्चे अभी बच्चे हैं या टीनएजर्स हैं उन्हें अपने वेट के लिए कॉन्शियस होने की ज़रूरत है ताकि जब तक वो अडल्ट एज में पहुँचे वो हेल्दी वेट को मेंटेन करें। और ज़्यादातर ऐसी फैमिलीज में डाइटरी पैटर्न भी थोड़ा फॉल्टी होता है जिसकी वजह से वेट लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। आखिरी नंबर पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि वेट रिडक्शन के लिए दवाइयों और सर्जरी का सहारा लेना भी कई बार कारगर उपाय हो सकता है। वे लोग जो कि मॉर्बिडली ओबीज हैं जिनकी BMI 35 से ज़्यादा है, ऐसे केसेस में कभी कभी डाइट और एक्सरसाइज अकेले काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में मेडिकेशन या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप अपने कंसल्टेंट से, किसी डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं और इन सर्जरीज को करवा सकते हैं। इसलिए हेल्दी वेट मेंटेन करना आपके लुक्स के लिए भी अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और इसीलिए आपको अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए हर संभव कोशिश करने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए और कभी भी इस कोशिश को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में लोग अपने वेट को मेंटेन कर लेते हैं पर दोबारा से अपने डाइटरी हैबिट को वापस पुराने पैटर्न पर ले आते हैं या फिर एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में वेट दोबारा से बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो एक कंसिस्टेंसी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।